हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 मैथ सब्जेक्ट का 2.2 पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन डाला जा चुका है, ठीक है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। आज जो है हम लोग पॉलीनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं बताना शुरू करूँ, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग चैप्टर देखने वाले वो है एक्सरसाइज 2.2 मैथ का। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इन सभी के मान आपको ज्ञात करने हैं जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। मतलब पहला क्या है, x = 0। ये जो आपका सवाल है, सवाल क्या है पहले मैं लिख ही लेता हूँ, एक बार थोड़ा सा सरल हो जाएगा। सवाल क्या है हमारा, 5x - 4x² + 3। इस पर हमें क्या करना है, x = 0 मान रख करके उत्तर प्राप्त करना है कि मान क्या आएगा। तो ये हो गया 5, x का वैल्यू क्या है, 0। तो जहाँ जहाँ x आपको नज़र आ रहा है चर, उसके जगह पर आप क्या कीजिए, 0 पुट कीजिए वैल्यू को। तो 5 × 0 = 0 होता है, -4 × 0 = 0, 4 × 0 = 0, अब +3, तो 0 का तो कोई इफेक्ट यहाँ पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 3। जब हमने x = 0 रखा था, हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 3। चलिए देखिए अगला क्या है। अगला है इसी प्रकार x = -1। इस बार क्या रखना है, x = -1 रख करके हम उत्तर प्राप्त करना है। इसी बहुपद पर रखना है, तो मैं सीधा मान ही रख देता हूँ 5x। x का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1। देखिएगा ध्यान से, 5x, x का वैल्यू क्या है, -1। 4 × x² मतलब -1 का स्क्वायर, ये हो गया +3। तो 5 × -1 क्या हो गया, -5, ये है माइनस, अभी माइनस रहने देते हैं। ये हो गया 4 × -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, ये हो गया 3। ये -5, ये -4 और +3। आप इसे जैसे सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। 5 और 4 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 और 4 9, और ये +3, 9 माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पर बड़ा यानी कि ग्रेटर कौन है, 9 है, इसलिए हमारा जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इसका उत्तर भी क्या हो गया, -6। चलिए अगला जो है इसे भी निकाल ही देता हूँ मैं आंसर इसका। इस पर भी हमें पुट करना है 5x - 4x² + 3, ये हमारा सवाल है। इस पर हमें x = 2 पुट करके वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर, और ये हो गया +3। तो ये हो जाएगा 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 -4 × 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये हो गया +3। तो ये क्या है, 10 - 4 = 16 + 3। इससे आगे मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, 10 और 3 कितना हो जाता है, 13। 13 - क्या हो जाएगा 16, तो 13 में से 16 को माइनस करेंगे, आंसर हमें क्या प्राप्त होगा, -3। ये हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। एक ही जैसे सवाल है, ज़्यादा सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसी प्रकार का सवाल है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 तथा P2 ज्ञात करना है। हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो हमारा सवाल दिया हुआ है PY, एक बहुपद आपको दिया रहेगा, PX के फॉर्म में, PY के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ PY के फॉर्म में, PY के रूप में है, y² - y + 1 है ना। इस पर आपको P0 का वैल्यू फाइंड करना, मतलब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 0 आपको पुट करना। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर - 0 + 1, ये हो गया 0 - 0 + 1। तो 0 का तो वैसे भी यहाँ पर कोई काम है नहीं, तो ये हो गया 1। अब हमें P1 प्राप्त करना है, तो जहाँ जहाँ y है हमें वहाँ क्या पुट करना होगा, 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर - 1 + 1। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 - 1 + 1, 1 और 1 हो गया 2, 2 - 1 क्या प्राप्त होता है, 1। तो ये आपका उत्तर हो गया। P0 निकाल लिया, P1 निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है। चलिए देखते हैं उसे भी। तो देखिए P2 निकालना है, यहाँ पर ज़रा सवाल हमें नज़र नहीं आ रहा, एक बार देख लेता हूँ फिर से। y² - y + 1 ये है हमारा सवाल, y² - y + 1 ये हमारा सवाल है। इस पर हमें पुट करना है P2 को, ठीक है। तो y था तो 2 का स्क्वायर - 2 + 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 - 2 + 1, 4 और 1 कितना होता है, 5, 5 - 2, तो 5 - 2 क्या हो गया, 3। तो P2 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, क्या आ गया,
ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पीटी पीटी इज इक्वल टू 2 + t + 2t² - t³, ये हमें फाइंड करना है पी जीरो रख करके, तो कर लेते हैं फटाक से, तुरंत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया टू, ये टू, ये चर नहीं है, ये टू ही रहेगा, प्लस जीरो प्लस 2 × 0² - 0³। तो ये तो 2 का 2 रह गया, ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, आंसर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। चलिए अब 1 रखते हैं इसी के स्थान पर जहाँ जहाँ t है, तो 2 + t का वैल्यू 1 + 2 × इसी प्रकार t² तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये हो गया 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2, माइनस ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब 1, तो ये हो गया 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 में से क्या माइनस करना है 1 को, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें P2 फाइंड करना है, कर लेते हैं। ये देखिए क्या आपका 2 + t का वैल्यू क्या है, 2, इस बार t का वैल्यू पुट करना है 2, ध्यान से देखिएगा 2 × 2² माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो गया 2 + 2 + 2 × 2² 4 होता है, इसी प्रकार 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, तो ये हो गया 2 + 2 = 4, 2 = 8 - 8, तो ये हो गया 2 × 2 = 4, 4 और 8 = 12, 12 - 8 क्या हो जाता है, 4, तो ये भी आपका उत्तर प्राप्त हो गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यहाँ पर आपको एक चर का मान दिया गया है, उसको उस मान को आपको इस बहुपद पर रख करके बताना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो कैसे शून्यक प्राप्त करेंगे, मतलब है या नहीं कैसे पता करेंगे हम लोग, इसके लिए उस वैल्यू को पुट करेंगे, अगर हमारा आंसर 0 आता है यानी कि शून्य आता है तो वो उसका शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो एक्स का वैल्यू क्या है, -1/3, तो 3 × x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, -1/3, ये हो गया +1, तो इस तरह से हम 3 3 कट कर सकते हैं, तो ये हो गया -1 + 1, -1 + 1 क्या होता है, 0, यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि दिखाया गया जो मान है वह इसका शून्यक है, बस इतना सही करना था। चल देखिए दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में इस तरह से प्राप्त करना है, x का वैल्यू इस बार दिया आपको 4/5, तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 4/5, 0 आता है या नहीं आता है देख लेते हैं, 5 × 4/5 और -5, तो ये हो गया 5 5 कट 4 - π, नहीं 0 तो नहीं आया, इसका मतलब ये शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, 0 आता तो हम कहते हैं शून्यक है। अभी आपको एक एक मान का सवाल था, ये एक वैल्यू सिर्फ दिया था, कभी कभी क्या होता है कि दो मान दिए होते हैं, जैसे यहाँ देखिए अगला सवाल हमारा है, 3 नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है पी एक्स, तो हम दोनों रख करके एक एक करके देखना पड़ेगा। पहले हम 1 रखते हैं, पहला जो वैल्यू है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर - 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या होता है, 0, चलिए ये तो शून्यक है, ये तो शून्यक है। इसी प्रकार अब हमें p - 1 भी रख कर देखना पड़ेगा, ये -1 = ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर - 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, अब -1, 1 - 1 क्या हो गया, 0, दोनों का दोनों शून्य के यहाँ पर प्राप्त हो गया। चलिए अच्छी बात है, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये दोनों क्या है, इसके शून्य के। इसी प्रकार और भी सवाल आपके पुस्तक में है क्वेश्चन नंबर 3 के, आप लोग उन सभी सवालों को जाकर देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक सवाल और आपको बता देता हूँ, एक सवाल और आपके बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 3 का 6 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पी इस बार जो है x का वैल्यू -m/l है, x का वैल्यू क्या है, -m/l, तो ये हो गया l × x की जगह पर आपको क्या पुट करना है, -m/l, ये हो गया +m, l और l कट हो गया, तो ये हो गया -m + m, m - m क्या हो जाएगा, 0, इसका मतलब ये शून्यक है, ठीक है। और भी सवाल हैं आपके पुस्तक में, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उन सबको। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पुस्तक का शायद अंतिम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य, इस बार आपको शून्य ज्ञात करना है, अभी सत्यापित करना था, इस बार ज्ञात करना है, तो इसका एक सीधा सरल सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि हमें क्या ज्ञात करना है, सिंस वी हैव टू फाइंड शून्यक, उसके जीरोस फाइंड करने हैं, शून्यक ज्ञात करनी है। अगर शून्यक को ज्ञात करना है, इसका तात्पर्य क्या होता है कि पी एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
चलिए ठीक है। तो पी एक्स का वैल्यू कितना है, पी एक्स का मान क्या है, पी एक्स क्या है, पी एक्स हमारा एक्स प्लस फाइव है, तो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, ये इसका शून्य का। अब अगर हम एक्स का वैल्यू फाइव यहाँ पर पुट करते हैं तो दोनों सॉल्यूशन होने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो, इसका मतलब ये इसका शून्य है। इस प्रकार शून्य हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, उसी प्रकार एक और सवाल है, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, इस बार भी शून्य ज्ञात करना है। फिर से हम लिखेंगे, चूंकि हमें शून्य ज्ञात करनी है ना, शून्य ज्ञात करनी है, ठीक है, इसलिए फिर से वही बात, शून्य का मतलब ही यही होता है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स है क्या, पी एक्स आपका है टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया टू एक्स प्लस माइनस बन जाएगा सॉल्यूशन करने के बाद, मतलब प्लस फाइव माइनस फाइव हो जाएगा, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाय टू, तो ये आपका शून्य हो गया इस सवाल का। ठीक है, एक और अंतिम सवाल है, देखिए फिर से वही लिखना है हमें, चूंकि हमें क्या करनी है, शून्य शून्य ज्ञात करनी है, चूंकि शून्य ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फिर से हम जानते हैं एक बात, कि जब भी शून्य ज्ञात करना होगा, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। पी एक्स है क्या यहाँ पर, पी एक्स है आपका थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया आपका थ्री एक्स इज इक्वल टू टू प्लस टू, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बाय थ्री, ये आपका शून्य हो गया इस सवाल का। इसके बाद और भी कुछ सवाल हैं आपके पुस्तक में, क्वेश्चन नंबर फोर में भी, क्वेश्चन नंबर थ्री में भी, मैंने सारे सवाल नहीं बताए हैं, कुछ सवाल आप लोगों के सॉल्यूशन करने के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन समझा दिया है मैंने किस प्रकार से सारे सवाल को सॉल्व करना है। तो आप लोग इन सभी को नोट कर लीजिए और अपने पाठ्यपुस्तक के सारे सवालों को बनाइए, उनका सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है, एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का सारा सॉल्यूशन देखेंगे। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को ये सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को, फिर से मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ उसे शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।